ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है, ये क्या संकेत है इसके? माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। पत्रकार साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी, फिर अशरफ पर फायरिंग की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुख की बात है, आज खुले रूप से हत्याएं हो रही हैं। यूपी और देश को किस ओर घसीटा जा रहा है? तो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में और अपने देश में? साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है, ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहाँ अपना उत्तर प्रदेश और कहाँ अपना देश घसीटा जा रहा है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करें। सर आदित्यनाथ ने कहा था